हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए आज की इस वीडियो में हम एलजेब्रा के इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ओके, अंडर रूट एक्स अपॉन टू इक्वल टू 7/2। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, पहले आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये आपका हो जाएगा, ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि 2 अंडर रूट एक्स। ओके, और ये 7 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 7 और इंटू 2 14 हो जाएगा। ओके, ये हो गया। अब अंडर रूट एक्स इक्वल टू, ये 2 जो है इंटू में है, तो इसे हम इस साइड लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो यानी 14y2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब इसे यहाँ से कैंसिल करो, तो 2 7 14, यानी कि अंडर रूट एक्स इक्वल टू 7 आ गया। ओके, अब ये अंडर रूट एक्स को यहाँ पे हम किस तरह ब्रेक करें कि ये x बन जाए। ठीक है, तो इसे हम स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे, तो ये जो है अंडर रूट जो है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। ओके, तो ये मैंने क्या क्या कर दिया, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो आइए हम वर्ग करते हैं दोनों तरफ, तो अंडर रूट एक्स इस पर हम वर्ग चढ़ा देते हैं स्क्वायर, अब फिर इधर भी हम स्क्वायर चला देते हैं, तो ये क्या हो गया आपका स्क्वायर यहाँ पे आ गया है। ओके, अब यहाँ पे हम यहाँ पे अंडर रूट का स्क्वायर यहाँ पे हम करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि किसी अंडर रूट का स्क्वायर जब हम करते हैं तो रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी सिर्फ एक्स हो गया, और यहाँ 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक्स इक्वल टू क्या आ गया इसका आंसर, 49। ओके, अब चलिए एक और इक्वेशन लिखकर समझते हैं। देखिए एक इक्वेशन और हमने लिया है, ठीक है, अंडर रूट एक्स प्लस 3/4 इक्वल टू 3/2। ओके, अब इसे हम सोल्व करते हैं, इसे भी पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो ये 2 इंटू ये हो जाएगा आपका अंडर रूट एक्स प्लस 3। ओके, इक्वल टू ये 3 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार ये 2 जो है इंटू में है, तो इसे हम इस साइड करेंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट एक्स प्लस 3 इक्वल टू 12y2 हो जाएगा। ओके, तो इसे हम कैंसिल करेंगे, तो 2 6 12 हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट एक्स प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो गया। ओके, अब यहाँ पे रूट को क्या करना है, कैंसिल करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर दोनों तरफ हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, यानी कि स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ओके, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर यहाँ पे ले लेंगे, तो अंडर रूट एक्स प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर। ओके, ये हमने ले लिया। अब यहाँ पे किसी रूट पे अगर जो स्क्वायर है, तो अगर हमें स्क्वायर अगर जो हम इस पे हम अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एक्स प्लस 3 ये हो जाएगा इक्वल टू 6 का स्क्वायर, 36 हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस है, प्लस है, तो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार एक्स इक्वल टू आ गया 33। ओके, तो इस प्रकार एक्स इक्वल टू इसमें क्या आंसर हो गया, 33 33। ओके, सो इस प्रकार आप रूट वाले इक्वेशन को आप इस प्रकार सिंप्लीफाई करोगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक यू।